आप सिटीजनशिप चाहती हैं, आपको मिल सकता है, आप अप्लाई करते हैं सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, आपको मिल जाएगा जो भी उनकी प्रक्रिया। मुझे तो क्यों मरवाएंगे मुझे, मैं इधर ही ये लोग चूंकि इलीगली आए थे, तो ये इलीगली आए थे मतलब कि बिना डॉक्यूमेंट के, मान लीजिए बांग्लादेश से चले आए या पाकिस्तान से चले आए या अफगानिस्तान से चले आए, तो इनको सिटीजनशिप ना दे करके ये क्रिमिनल एक्ट हो जाता, ठीक है ना। तो सिटीजनशिप एक्ट में क्या किया गया कि इलीगल माइग्रेंट की डेफिनेशन को ही चेंज कर दिया गया, क्योंकि अगर आप इलीगल माइग्रेंट प्रूफ हो जाता है तो फिर आपके आपको सिटीजनशिप ना मिलके बल्कि आपकी जगह जो भी पासपोर्ट एक्ट में या फॉरेन फॉरनर्स एक्ट जो है उसके अंदर में आपके ऊपर जो कार्रवाई बनती वो की जाती। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि इलीगल माइग्रेंट की डेफिनेशन चेंज कर दी, उन्होंने कहा कि एक्सेप्ट मुस्लिम, ये यानी कि हिंदू सिख जैन यहूदी पारसी बौद्ध कोई भी अगर इन तीन देशों से, यानी कि वो बांग्लादेश से वो इंडिया पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से वो आया हुआ है, तो 26 जनवरी या उन्होंने कुछ एक दिया है वो 2014 तक का डेट दिया है, उस डेट के पहले तक आया है तो वो इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा। तो जब वो इलीगल माइग्रेंट ही नहीं माना जाएगा तो फिर वो सिटीजनशिप के लिए एंटाइटल्ड हो जाएगा, जो भी उसमें जो आपको बाय नेचुरलाइजेशन या बाय रजिस्ट्रेशन उसको सिटीजनशिप दे दी जाएगी जो भी तरीके में, क्योंकि अगर वो इलीगल माइग्रेंट हो जाता तो उसको सिटीजनशिप नहीं देता। अच्छा, इसमें बवाल इस बात पे मचा हुआ है कि लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गया है। सबसे पहली बात कि ये समझिए, इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए दिल्ली में एक हिंदू और एक मुसलमान दो पाकिस्तान से आए हुए हैं दोनों, और दोनों इलीगल इमिग्रेंट है, दोनों गलत डॉक्यूमेंट्स पे आ गए हैं पाकिस्तान से इंडिया में। अब हिंदू जो है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होगा, लेकिन जो मुसलमान है वो इलीगल माइग्रेंट होगा। तो कहा यह जा रहा है कि ये बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मुस्लिम्स के अगेंस्ट में, लेकिन ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि मान लीजिए ये जो इलीगल माइग्रेंट का डेफिनेशन है ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए लगता है। यदि कोई हिंदू मान लीजिए वो सऊदी अरेबिया का सिटीजन है और इलीगली आ गया तो उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। यदि कोई हिंदू मान लीजिए वो अमेरिका का सिटीजन है और वो यहाँ पे इलीगल रूप से आ गया है तो भी उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बेनिफिट सिर्फ उन हिंदू क्रिश्चियनों और बुद्धों और उसको पारसियों को मिलेगा जो कि अफगानिस्तान बांग्लादेश या पाकिस्तान से आए हैं। तो इवन सारे हिंदू भी इसमें सिटीजनशिप नहीं लेंगे, तो इसलिए कोई डिस्क्रिमिनेशन का सवाल नहीं उठता। डिस्क्रिमिनेशन इसलिए नहीं उठता क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों अपने आप को इस्लामिक डिक्लेयर करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये हुआ कि मान लीजिए जो मुसलमान आ गया है और वो भी रिलीजियस परसिक्यूशन को अहम दिया, मान लीजिए भाग के पाकिस्तान से इंडिया में आ गया, वो भी रिलीजियस परसिक्यूशन का शिकार है, उसने अपने रिलीजियस परसिक्यूशन को के डर से इंडिया आना पसंद किया उसने, तो अब क्वेश्चन है कि इंडिया उसको सिटीजनशिप दे। आंसर ये है कि ये जो सब्जेक्ट मैटर है चूंकि वो परसिक्यूशन के ग्राउंड पे आ रहा है तो जो लॉ उसके ऊपर लगेगा वो लॉ ऑफ सिटीजनशिप न लग के उसके ऊपर लॉ ऑफ रिफ्यूजी लगेगा। वो यूनाइटेड नेशन जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है उसके अंदर में वो, चूंकि इंडिया रिफ्यूजी कन्वेंशन कैसे तो मेंबर नहीं है लेकिन चूंकि कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के रूप में रिफ्यूजी लॉ अप्लाई करेगा इंडिया के ऊपर, वो यहाँ पे रिफ्यूजी स्टेटस बिल्कुल ले सकता है। और रिफ्यूजी स्टेटस लेने के बाद अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो उसको, चूंकि वो जब रिफ्यूजी हो जाएगा तो इलीगल माइग्रेंट नहीं रहेगा, जब वो इलीगल माइग्रेंट नहीं रहेगा तो ये गवर्नमेंट के पास ऑप्शन होगा कि या तो उसको रिपैट्रिएट कर दे अगर हालात नॉर्मल होते हैं या तो उसको सिटीजनशिप दे दे। तो किसी भी तरीके का कोई भी इसमें मुसलमानों के साथ, खासकर ये तीन इलाके के मुसलमानों और इंडियन के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। ये सिर्फ चूंकि ये तीनों कंट्री इस्लामिक है और यहाँ पे लॉज जो है वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो उनको ये कहा गया कि आप इंडिया आए और इंडिया में आप आते हैं तो आपको सिटीजनशिप दिया जाएगा, आपको इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा प्रोवाइडेड आप उस कट ऑफ डेट से पहले आए हो। बस यही है जी, और कुछ नहीं। मगर खैर मान लीजिए कि लोग निकल आते हैं पाकिस्तान से और बाकी कंट्रीज से भी, वो कहते हैं हाँ जी भारत चले जाते हैं, क्या वहां पर आप समझते हैं कि लोगों के मतलब अभी आ जाएंगे, अभी आज की डेट में जब भी आते हैं इन्हीं दिनों में, जब आप लोग कहेंगे बस ठीक है, एक वीक के बाद कह रहे ना आप लोग, ये उनके लिए है जो आ चुके हैं। अच्छा, जो आने का प्लान बन रहे हैं चाहे वो हिंदू हो क्रिश्चियन हो सिख हो बुद्ध हो, उनके लिए नहीं अप्लाई करेगा ये।
ये अच्छा जो आ उनके चुके लिए, हैं। जो आ चुके हैं ये उनके लिए अप्लाई करेगा जी। वो डेट है जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अगर आप देखेंगी तो उसमें इलीगल माइग्रेंट का जो डेफिनेशन था वो चेंज कर दिया है उन्होंने, उसमें डेट डाल दी है, मेरे ख्याल से 2014 तक की कुछ डेट है। तो बस वही है, उसके पहले जो लोग आए होंगे वही माने जाएंगे, बाकी अभी कोई प्लान बन रहा है तो वो तो चाहे हिंदू हो चाहे क्रिश्चियन हो चाहे कोई भी हो, सबके सब वो माने जाएंगे इलीगल माइग्रेंट जी। वो अभी नहीं आ सकते, लेकिन चले जो पहले आ गए सर, वो भी तो लाखों में होगी ना, तादाद बहुत ज्यादा होगी जो पहले आए होंगे। आपके ख्याल जी से क्या इतने लोगों को जॉब देना, एजुकेशन देना, खाना देना, ये सारी चीजें जो हैं वो हो पाएंगी? क्योंकि बहुत से लोग तो अभी भी इंडिया में यकीनन ऐसे होंगे जिनके पास जॉब्स नहीं होंगी, जो परेशान होंगे, तो एक अपनी अपने ऊपर एक मजीद बर्डन डालने वाली बात नहीं लगती आपको? देखो, इतने ज्यादा लोग भी नहीं आए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है ये जॉब देना। और देखिए, अगर आप अपनी आइडेंटिटी को सुरक्षित नहीं रखा पा रहे हैं, पाकिस्तान में जो हो रहा है कि लड़कियों को, हर 16 साल की लड़की को 40 साल के मुसलमान से प्यार हो रहा है, उसको हिदायत मिल जा रही है, सारे के सारे हिंदू लड़कियों को हिदायत मिल रही है और इस्लाम में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि अगर वो अपनी आइडेंटिटी बचाना चाहती है तो वो इंडिया आ जाए। लेकिन अब चूंकि वो एक डेट से पहले तक अप्लाई करता, अब अगर वो इलीगली आ रहे हैं तो उनको नहीं मिलेगा, उनको भी रिपेट्रिएट किया जाएगा। या अगर रिफ्यूजी लॉ में नॉन रिफुलमा का प्रिंसिपल है, नॉन रिफुलमा ये कहता है कि आप किसी भी इवन इलीगली इंटर किए हुए बंदे को जो आपकी टेरिटरी में आ गया है, यदि उस जगह जहां आप उसको भेज रहे हो उसकी जिंदगी का खतरा है तो आप उसको रिपेट्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन उनको सिटीजनशिप देने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आप उनको रिफ्यूजी स्टेटस दे दें, आप उनको एक कार्ड दे दें कि भाई ये रिफ्यूजी है, उनके रहने पीने खाने का इंतजाम करते हैं, और भारत इतना सक्षम है कि ऐसे कोई अगर रिफ्यूजी आते हैं तो हम उनको कुछ हेल्प कर सकते हैं, उनको हम खिला पिला सकते हैं, रिफ्यूजियों का हमेशा वेलकम है। लेकिन जब रिफ्यूजी की स्थिति ठीक हो जाएगी तो उसको अपने देश वापस जाना होगा। सिटीजनशिप नहीं मिलती, सिटीजनशिप के लिए कोई वो नहीं है, अनलेस अंटिल कि वो फिर सिटीजनशिप एक्ट में जो दोबारा जो जो एक्ट जो प्रोविजन है उसके अंदर अप्लाई करे और गवर्नमेंट अगर ठीक समझती है तो वो दे देगा। जो लोग ये कहते हैं कि सिटीजनशिप एक्ट में मुसलमानों को नहीं मिलेगा, वो भी गलत है। कोई भी मुसलमान आए, वो सिटीजनशिप अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई करे। जैसे आप देख ले, उनको मिला है अदनान शामी जी को सिटीजनशिप मिला, वो मुसलमान है बकायदा, तो वो ये कह रहे हैं इलीगल माइग्रेंट के रूप में जो आए, बस वहां पे ये है कि मुस्लिम अगर इलीगल माइग्रेंट में आ रहा है तो नहीं है। मान लीजिए जैसे आप आरजू जी सिटीजनशिप एक्ट में आप सिटीजनशिप चाहती हैं, आपको मिल सकता है, आप अप्लाई करते हैं सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, आपको मिल जाएगा जो भी उनकी मुझे प्रक्रिया। तो क्यों मरवाएंगे मुझे, मैं तो नहीं ठीक। ईरान, तालिबान और भारत के साथ चल रहे तनाव के बीच पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली इंसान जनरल असीम मुनीर ने इन तीनों ही देशों को लेकर जहरीला बयान दिया है। जनरल मुनीर ने तो तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान के लिए कहा कि एक पाकिस्तानी शख्स पूरे अफगानिस्तान से ज्यादा महत्वपूर्ण है, यही नहीं अगर पाकिस्तानियों की सुरक्षा पर बनाती है तो पूरा अफगानिस्तान भाड़ में जाए। वहीं ईरान के साथ मिसाइल युद्ध के बाद पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए जनरल मुनीर ने कहा कि तेहरान ने पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपा है। भारत को लेकर उन्होंने संकेत दिया कि कोई मेल मिलाप नहीं होने जा रहा है। पाकिस्तानी स्टूडेंट के साथ मुलाकात के दौरान सवाल जवाब के सत्र में जनरल मुनीर ने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते पर अपनी राय रखी। मुनीर ने कहा, जब बात सुरक्षा की आती है तो प्रत्येक पाकिस्तानी पूरे अफगानिस्तान से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा होने पर अफगानिस्तान भाड़ में जाए। टीटीपी के खूनी हमलों से परेशान जनरल मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान ने 50 लाख अफगान लोगों को 50 साल खाना मुहैया कराया, लेकिन अगर हमारे बच्चों पर बात आएगी तो जो हमला करेंगे हम उनके पीछे जाएंगे और उन्हें मिटा देंगे। मुनीर ने आगे कहा कि बलूचिस्तान में चल रहे उग्रवाद को लंबे समय से अफगानिस्तान से समर्थन मिल रहा है और उसने कभी दोस्ती नहीं दिखाई। मुनीर ने कहा कि अफगानिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसने आजादी के बाद पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता दिए जाने का खुलकर विरोध किया था, लेकिन समस्या यह है कि हमारे पाकिस्तानी लोग इतिहास नहीं पढ़ते हैं। उन्होंने तालिबान को खुली धमकी देते हुए कहा, पाकिस्तान की तरफ मत देखो, हम हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। जनरल असीम मुनीर ने पद संभालने के बाद टीटीपी आतंकियों के साथ बातचीत को बंद कर दिया था। इससे पहले इमरान खान के कार्यकाल में टीटीपी से बातचीत हो रही थी। मुनीर ने तालिबान सरकार पर दबाव डाला है कि वह टीटीपी के खिलाफ एक्शन ले, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख पड़ोसी ईरान को भी धमकी दे डाली है। मुनीर ने कहा, आप हमारी पीठ में छुरा नहीं घोंप सकते और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको करारा जवाब मिलेगा।
पाकिस्तानी सेना प्रमुख का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब हाल ही में ईरानी मिसाइलों के जवाब में पाकिस्तान ने भी ईरान पे मिसाइलों से हमला किया था। जनरल मुनीर ने कहा कि किसी को भी पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय एकजुटता के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। मुनीर ने भारत को भी लेकर जमकर जहर उगला है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने कहा, भारत ने भी अभी तक पाकिस्तान की संकल्पना को ही स्वीकार नहीं किया है, ऐसे में हम उनके साथ कैसे मेल मिलाप कर सकते हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख के इस दावे की खुद उनके ही देश में विशेषज्ञ आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर आए थे तो उन्होंने खुलकर पाकिस्तान के अस्तित्व को स्वीकार किया था। यही नहीं, वाजपेयी ने दोनों देशों के बीच शांति की वकालत भी की थी। हालांकि बाद में कारगिल घुसपैठ करके पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंप दिया था।